इंस्टीट्यूट के एक स्टडी सेंटर का शुभारंभ हुआ, जहां कई स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी ली गई और ये सेंटर शहर और आसपास के छात्रों को लोकल लेवल की सीएस कोर्स के जुड़ी सारी सुविधाएं वहां पर ही मुहैया करवाएगा। उसके लिए ये शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम 14 तारीख के दिन वास्तव में जबलपुर के लिए, जबलपुर संस्कारधानी के लिए बड़े गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एक स्टडी सेंटर खुलने जा रहा है नचिकेता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, ग्राम सूखा पाटन बाईपास पर। इससे ये होगा कि यहाँ के आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर स्टडी सेंटर के रूप में एक स्टडी करने के लिए जगह मिल गई है। फॉर्म भरने के लिए उनको यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं यहीं पर उनकी सॉल्व की जाएगी। और साथ ही साथ उनको एक ये भी एश्योरेंस है कि जो उनके टीचर्स हैं उनको, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये वास्तव में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है और इसके लिए कोई अलग से क्लासेस वगैरह कहीं पर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर स्टडी सेंटर में उनके लिए हम क्लासों की व्यवस्था। शाजापुर जिले की जनपद पंचायत ग्राम कीली सिंध में प्रधानमंत्री आवास योजना में बंदर बांट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं 65 साल के व्यक्ति आत्माराम राठौर को प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते इन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। यहां जो प्रधानमंत्री आवास के मकान बने हैं वो अब अमीरों के बने हैं, यहां गरीब की सुनवाई नहीं होती है। वहीं इस मामले में प्रशासन चुप्पी साधे बैठा हुआ है। मेरा भाई मर गया, इसके बाद सुनने के लिए आया हूँ।